Hi guys, welcome back to the channel and you are watching CDR Vlogs. तो आज का हमारा टॉपिक है टीवीएस एनटॉर्क. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. तो गाइस आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और इसकी आगे और वीडियो आने वाली है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इसकी और वीडियो देखनी है. तो इधर ग्लॉसी लुक मिलती है पर हमने मेट ब्लैक रैप करवा रखा है और आगे हमें हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं और ये मेटल का है एंड ये फाइबर बॉडी है पूरी. एंड हेयर हमें इधर ग्राफिक मिल जाता है काफ़ी ऐसा ही और नीचे देख सकते हैं आप कार्बन फाइबर है पूरा. एंड इधर भी हमें इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग मिलती है पर ऐसा माइल्ड लेवल कुछ दिखती नहीं है और इसमें एलॉयज मेट ब्लैक लगे हुए हैं और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है. इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं इसके. काफ़ी अच्छा कॉन्सोल दे रखा है इन्होंने. आवाज़ देखिए अब इसकी, ये देखिए कॉन्सोल पहले से स्टार्ट होता है इसका. तो ये देखिए आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है और हमें आगे इसमें किल स्विच मिलता है. किल स्विच काफ़ी हेल्प करता है आपको बार बार चाबी बंद करनी पड़ती है इससे बंद हो जाएगी पूरी आपकी स्कूटी एंड सो ऑन. पहले तो हमें इधर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल है पूरा, फुल डिजिटल है. स्पीडोमीटर भी डिजिटल मिलता है आपको इधर. और इधर इसमें दो मोड मिलते हैं हमें, एक स्ट्रीट मोड और एक स्पोर्ट मोड. और इसमें आप लैप्स का भी देख सकते हैं कि कितने लैप्स हैं. इसमें नेविगेशन भी ऑन है एंड इसमें दो मोड्स है स्ट्रीट और स्पोर्ट्स. स्ट्रीट में होता है कि भाई हमें इसको नॉर्मल स्ट्रीट में चलाने के लिए होता है. स्ट्रीट में इसको हम कुछ ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं होता. स्पोर्ट्स मोड में होता है हमें इसमें लैप मिलते हैं कि हमने कितनी देर चलाई, कितनी टॉप स्पीड है एंड सो ऑन. तो स्पोर्ट्स मोड में आपको देखिए अभी ये सेट कर दिया मैंने. इससे पहले इधर पूरा मिनट आता है कितने मिनट हमने चलाई है और कितनी स्पीड मिली सेकेंड है एंड ऑल. इसमें लैप्स का ऑप्शन आ गया, राइट स्टार्ट्स एंड बेस्ट लैप कौन सा था आपका. टॉप स्पीड 97 किलोमीटर अभी तक की जो है. एंड इसमें हमें और काफ़ी अच्छी स्पीड मीटर दिया हुआ है, ट्रिप मीटर एंड माइलेज मीटर. तो गाइस एक और हम बड़े फीचर की बात करते हैं. इसमें हम एक तो इसको फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें फ़ोन से हम इस पर नेविगेट कर सकते हैं तो सारे डायरेक्शन दे रखे होते हैं. और दूसरा ये हमें सबसे बड़ी चीज़ इधर इंजन टेम्परेचर मिलता है. तो गाइस अब हम इसके स्कूटी के ओनर से मिलते हैं, हर्ष लागयान. आइए भाई साहब. तो ये है स्कूटी के ओनर और इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है, धार्मिक राइडर. सो आप मेरे को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. मैं सारी एनटॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और मोस्टली मेरी सारी चीज़ एनटॉक की. मैंने प्रॉब्लम्स से लेके हर एक चीज़ कवर करी है. जिसको लोग प्रॉब्लम बताते हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सारी चीज़ मैंने कवर करी है और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें. तो एक बार हमें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताइए. ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये इन्होंने बोला है टीवीएस वालों ने कि ये पूरा ब्लूटूथ बेस्ड है. पर मेरे हिसाब से तो मैं बताऊं इसकी ज़रूरत नहीं थी अभी इस स्कूटर के अंदर. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक तो पेट्रोल का 5 लीटर टैंक है और इसके अंदर डिजिटल जब इसको गेज दिया गया है तो उसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. बहुत सारे लोग परेशान हैं इसकी चीज़ से कि पेट्रोल इसका एक्यूरेट नहीं आता. दूसरा इसका जो ब्लूटूथ कंसोल है, एग्जैक्टली ब्लूटूथ जब कनेक्ट हो जाता है हमारा फ़ोन से, हम जब कोई जैसे कि अब हमने कमांड दी कि हमें जाना है कनॉट प्लेस, अब मैंने अगर यहाँ से सेंड कमांड डाल दी फ़ोन से तो इसमें शो होने लग जाता है कि कनॉट प्लेस तक की लोकेशन क्या है. अब अगर कोई भी गलती से अगर मतलब यू टर्न ले लेता है, अगर जो इसने रास्ता बताया है उससे थोड़ा यू टर्न ले लिया इधर उधर हो गया तो ये वही रास्ता दिखाता रहता है और ये पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा. तो इस पर कभी भरोसा मत करो. गूगल मैप फिर भी इससे अच्छा है तो गूगल मैप पर आप भरोसा कर सकते हो. और इसके अंदर दो मोड्स आते हैं, एक है स्ट्रीट मोड और दूसरा है स्पोर्ट्स मोड. तो ये मोड वाला बटन है आप जब इसे दबाएंगे तो ये अभी तो ट्रिप मीटर है, इसमें दो ट्रिप मीटर हैं ए और बी. और ये है इसका स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड में ना आप जैसे आपने इसे स्पोर्ट्स मोड पर लगाया, आप जब चलना स्टार्ट करेंगे तो टाइम बताएगा कितनी देर आप चले हैं और 0 से 60 की स्पीड कितनी गई है. और आप जैसे अब आप चल रहे हैं किसी ट्रिप पर गए हैं और आपको चेक करना है कि आपकी मतलब एवरेज स्पीड क्या रही है, 60 या 70. जैसे अभी आपने बीच में कभी चलाई 100 की स्पीड पर, कभी आपने चलाई 70 की स्पीड पर, तो उसकी एवरेज स्पीड आपको बता देगा कंसोल एग्जैक्टली कितनी रही है और 0 से 60 आपको बता ही देगा. और ये छोटे मोटे फीचर है, वैसे इतने लोग यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे. मैं इंडिया में बताऊँ तो सबको जल्दबाजी रहती है, कौन इतना मोड सेट करे और इतनी जल्दी जल्दी इसे सेट करके चले. तो इसको मतलब आपके तो इतना कुछ यूज नहीं है इसका. और इसका स्पीड एक्यूरेट है या नहीं है? स्पीड एक्यूरेट आती है बिल्कुल, बट मेन चीज़ जो है फ्यूल की दिक्कत आती है हर किसी को, क्योंकि फ्यूल की एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं है इसके अंदर. बहुत लोग परेशान है, बट अगर आप चलाते हैं इसे डेली यूजेज में चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्यूल पर कितना इसका पेट्रोल यूज़ हो रहा है. कितने मतलब जैसे कि यहाँ पे 5-6 ब्लॉक दे रखे हैं, 6 ब्लॉक में अगर आपका एक ब्लॉक शो हो रहा है तो कितना पेट्रोल है आपको पता चल जाएगा अगर आप डेली यूज़ करते हैं इसे. तो भाई तूने ली क्यों?
ये ली क्यों, मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं गया था एप्रिलिया SR150 ही लेने गया था मैं वैसे तो, बट क्या हुआ मेरे घर वालों के हिसाब से था कि मतलब पूरा एडवांस मिल जाए, अभी अपग्रेडेड है बिल्कुल ये, इसके अंदर स्पीडोमीटर जो है उसका मतलब आप देख सकते हैं डिजिटल आया हुआ है, दूसरा इसमें किल स्विच का फीचर मिल जाता है, और थर्ड आप इसका बूट स्पेस देख सकते हैं, बूट स्पेस इसका कितना है, इसका बूट स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं, इसमें चार्जिंग पोर्ट है, ये लाइट लगी हुई है, तो घर वालों को मेरे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आए, और मैंने सोचा चलो ठीक है भाई घर वालों को भी सुन लेते हैं, इस बार Ntorq ही ले लेते हैं, तो मैंने Ntorq ले ली। तो इसकी माइलेज कितनी है? माइलेज मैं आपको माइलेज बताऊं तो आप भी कंफ्यूज जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास जो मेरी वीडियोस डालता हूं मैं उस पर भी कमेंट आते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैंने जब इसे सिटी में चलाई तो इसकी 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई है, और जब मैं लास्ट अभी राइड पर गया हुआ था तो इसकी 50 से 52 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई है, कुछ लोग तो मेरे पास कमेंट भी करते हैं कि उनकी 55 तक भी आ गई है, बट लोग तो यकीन ही नहीं करते कि हाँ इसकी आ सकती है इतनी। तो उसकी मतलब माइलेज रहती 40 टू 50 के बीच में? यस। तो बाकी इसका ये हो गया ओनरशिप रिव्यू एंड सो ऑन, तो आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन कैसी है इसकी? मतलब एक्सेलरेशन सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आप इसे एक्टिवा से कंपेयर करते हैं, इनफैक्ट एप्रिलिया से भी इसे करते हैं कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे इसकी जो एक्सेलरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ये एप्रिलिया से एक सेकंड के लिए आगे निकल जाती है, बट एप्रिलिया का देखो बड़ा इंजन है SR150 का, तो उस टाइम पर ये थोड़ी पीछे हो जाती है क्योंकि बड़ा इंजन है वो तेज़ स्पीड पकड़ लेगा जल्दी से, बट पिकअप में इसका सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज अभी इसकी तीन वीडियो और आने वाली है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और स्पेशली Tvs Ntorq वर्सेस Aprilia SR150 का कंपैरिजन आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो।